लड़ाई। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, फिलहाल उसे कहीं से राहत मिलता नहीं दिख रहा है। इसी बीच हॉस्पिटल के बारे में एक और चौंकाने वाली बात सबके सामने आई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल बिना एग्रीमेंट के ही चल रहा था। इसी साल 31 मार्च को जिला स्वास्थ्य समिति से इसका एग्रीमेंट समाप्त हो चुका था। इसके बाद अब तक दोबारा एग्रीमेंट नहीं कराया गया। आपको बता दें कि अब हॉस्पिटल सवालों के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। एग्रीमेंट समाप्त होने की जानकारी सिविल सर्जन को भी नहीं दी गई थी और बिना एग्रीमेंट के ही अस्पताल में ऑपरेशन किया जा रहा था। इस संबंध में CAS डॉक्टर विनय शर्मा ने कहा कि बिना एग्रीमेंट के भी कैंप लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जानकारी देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जितने भी आंख के ऑपरेशन करने वाली संस्था है उनकी जाँच होगी, टीम जाकर वहाँ पर जाँच करेगी। शुक्रवार को ऑपरेशन के बाद आपकी समस्या के 4 मामले सिविल सर्जन के पास आए। इन मरीजों ने CAS को कहा था कि उनका ऑपरेशन 22 नवंबर से पहले हुआ था, अब तक आंखों की रोशनी नहीं आई है। पकड़ी दयाल मोतिहारी से आए राम अवतार शर्मा ने कहा कि उनका ऑपरेशन 22 नवंबर को हुआ था, अब आंख में जलन हो रही है, पानी भी निकल रहा है और साथ ही साथ दिखाई भी देना बंद हो गया है। CAS ने सदर अस्पताल में आंख की सर्जन डॉक्टर नीति कुमारी को दिखाया तो उन्होंने पटना भेजने की सलाह दी। इसके बाद उसे सदर अस्पताल में एक वार्ड में भर्ती कराया गया, उन्हें शनिवार यानी आज पटना भेजा जाएगा। इधर सुमेरा कुड़नी के अक्लू राम ने कहा कि 23 नवंबर को उनका ऑपरेशन हुआ था, अब आंख से दिखाई देना बंद हो गया है, वह निजी अस्पताल में इलाज करा रहा है। कांटी कोठिया के पुदेनी पासवान भी आंख से देखना बंद हो गया है, उनका 8 अक्टूबर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। इन मरीजों को शनिवार को SKMCH में भेजकर इलाज किया जाएगा। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल चौतरफा घिर चुका है। जांच के हर पहलू पर प्रबंधन की लापरवाही खास तौर पर सामने आ रही है, चाहे वो वार्ड की स्थिति हो या फिर किचन की। राज्य स्तरीय टीम भी जब वहां पहुंची तो हालत गंभीर देखकर दंग रह गई। राज्य स्तरीय टीम ने कहा कि ऐसे तो जानवर को भी नहीं रखा जाता है जैसे यहाँ पर मरीजों को रख रहे हैं। राज्य स्तरीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि CAS ने अब 16 लोगों की आंखें निकालने की पुष्टि की है। वहीं 4 पीड़ितों को गंभीर होने पर भर्ती किया गया है, जबकि 4 की आंख का ऑपरेशन गुरुवार को किया गया था। वहीं आंख की रोशनी चले जाने की समस्या को लेकर 4 नए मरीज शुक्रवार को सदर अस्पताल पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि मुजफ्फरपुर फुरवा कांड में ये हॉस्पिटल कब तक बाहर निकल पाता है, साथ ही साथ किसको सजा मिलती है। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल फोर्ड पे लड़ाई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो आप इसे करें लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।